हाय, सो लेट मी टेल यू अ स्टोरी टुडे। और इस कहानी के बाद मैं आपसे पूछूंगी कि व्हाट इज द मोरल ऑफ द स्टोरी, क्या समझे आप इससे। ओके, सो होता क्या है कि एक छोटा सा बच्चा जिसको बाइसिकल, छोटी सी बाइसिकल चाहिए थी, अपने पापा से डिमांड करता है, बार बार मांगता है कि पापा प्लीज मुझे साइकिल ले दीजिए। एंड उसको बहुत बहुत मन होता है साइकिलिंग करने का। वो लोगों को देखता है, बच्चों को देखता था और उसको मन करता था। तो उसके पापा को जब उसने कहा, बट हिज फादर ही वॉज नॉट दैट वेल ऑफ कि वो इतना अफोर्ड कर सकें और उसको साइकिल लेके दे सकें। सो एक दिन क्या होता है कि वो बच्चा खेल रहा होता है पार्क में और वहाँ पे देखता है कि एक दूसरा बच्चा, उनकी सोसाइटी का दूसरा बच्चा, वो साइकिलिंग कर रहा होता है और वो बहुत जोर से स्पीड से जा रहा होता है। और जैसे ही वो टर्न करता है, स्किड लेता है, जैसे ही उसी समय वो टर्न लेते ही बहुत गंदी तरह से गिर जाता है और उसको बहुत चोट आती है। ये देखकर वो भागता भागता वहाँ जाता है और उसको उठा के और लेकर जाता है जो आसपास में जो भी डॉक्टर थे हेल्प के लिए। और वहाँ जाके जब उसके दूसरा बच्चा जो गिर गया था, उसके पेरेंट्स जब वहाँ आते हैं, वो देखते हैं कि इस बच्चे ने हमारे बेटे को हेल्प किया और उसी समय उसको यहाँ पर लेकर आया, इतना केयर किया। तो क्योंकि उसके पेरेंट्स, जो बच्चा साइकिल चला रहा था, वो बहुत वेल्दी होते हैं, काफ़ी रिच लोग होते हैं। तो बिकॉज ऑफ दिस कि बच्चे की जान बचा ली और उसको हेल्प किया, वो कहते हैं कि इसकी जो साइकिल है ये हम तुम्हें रिवॉर्ड में देते हैं। और ये सुनकर वो बहुत खुश हो जाता है। सो अल्टीमेटली क्या इस स्टोरी का मॉरल है? द मॉरल इज कि जब हम किसी चीज़ को मांगते हैं, सोचते हैं, विश करते हैं कि ये हमारे पास हो, और वो हमारे पास आने से पहले किसी और के पास आ जाती है, किसी और को मिल जाती है, और हम उसको देखकर जेलस करना शुरू कर देते हैं कि मुझे क्यों नहीं मिली, मेरे पास क्यों नहीं है, उसके पास क्यों है। बट इसका उल्टा करना होता है। यू शुड फील हैप्पी कि ये उसके पास है, उसको मिल चुकी है, मुझे भी मिल जाएगी, लाइक दैट। एंड दूसरों को देखकर, उनकी खुशियों को देखकर खुश होना ज़रूरी है। बिकॉज अल्टीमेटली जो भी आप इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में दे रहे हैं, वो किसी भी फॉर्म में हो, बिकॉज एवरीथिंग एल्स इज़ एन एनर्जी। आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स, सब कुछ, ये सब एनर्जीज आप जो भी दे रहे हैं, वो बैक होके आप ही के पास आ रही है। सो इफ़ यू आर गेटिंग जेलस, अगर आप नेगेटिव इमोशंस रखते हैं किसी के लिए, किसी की तरक्की के लिए, किसी की प्रोग्रेस के लिए, सो आप समझ जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होने वाला है, राइट? बिकॉज अदर पर्सन और मे बी और लोग भी आपके साथ में वही करने वाले हैं, क्योंकि अल्टीमेटली ये कर्मा घूम कर आएगा। सो इसीलिए वेन एवर यू सी समवन हैप्पी, प्रोग्रेसिंग, आप खुश होइए, बिल्कुल भी जेलस मत फील कीजिए। और बी काइंड, बी हैप्पी, बी नाइस टू अदर्स, बिकॉज अल्टीमेटली वट एवर यू आर गिविंग टू दिस यूनिवर्स, यूनिवर्स विल गिव दैट बैक टू यू।